तो यहाँ पे शाम का टाइम था, मैं फ्री थी, अभी कोई काम नहीं था मेरे को, तो मैंने फिर मम्मी की अलमारी अस्त व्यस्त हो रही थी, सारे कपड़े इधर उधर हो रहे थे, तो वही मैं निकाल रही हूँ और फिर निकाल के दोबारा से सेट कर दूँगी, जैसे चुन्नी सलवार दुपट्टा प्लाजो लगा के सब ऐसे ही हो रखे हैं आगे पीछे। तो मैंने सोचा था दाल चावल बनाऊँगी, दाल उबालनी रख दी थी मैंने और आटा गूंदा हुआ है, दो चार रोटी बनाऊँगी, तो मैंने कहा अभी टाइम है तो मैं अलमारी सेट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने मम्मी की अलमारी कर दी है सही, कपड़े बिखरे हुए थे तो मैंने सही करके रख दिए हैं, सही से मतलब तय करके सही से करके लगा दिए हैं, और मिष्टियाँ रखी है। ओ तेरे से नहीं बात करी, आ जा गिरेगी, इतनी जल्दी बोलती, आ गोदी ले आ जा, आते ही बिंदी उतार लेती मेरी, आते ही मेरी बिंदी उतार लेती, बिंदी उतार देती आते ही ताई जी की, है ना? हाँ उतार तो दी, अब कहाँ है, अब नहीं है, कहाँ ले ली तूने, ले ली ऐसे कर दे, राधे राधे करिए बेटा, राधे राधे कर दे, कहाँ मिष्टी। फिर ये अगली सुबह की है, तो यहाँ पर संजीव स्कूल जा चुका था, मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए चाय बनाई थी, और ये नमकीन का पैकेट रखा था, नया था, बंद था, अभी खा के नहीं देखा था कैसा है, तो मेरे को मूँगफली वाली नमकीन अच्छी लगती है इसलिए मैं ले आई थी, खोल के देखूँ कैसा है, कैंटीन के सामान में था जो मेरा भाई लेके आया था तब, तो खोल के देखी तो ये चटचटी थी, फिर मैंने नहीं खाई। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्च और लहसुन पथरे पे पीस रही हूँ, क्योंकि मम्मी बनवाएगी आज लौकी का रायता, मम्मी ने कहा है कि मैं लौकी का रायता खाऊंगी, ली तो सब्जी के लिए थी लेकिन मम्मी का था रायता खाने का मन, तो इसलिए बना रहे हैं फिर रायता। तो मैंने लौकी को उबाल लिया था, उबाल के निचोड़ लिया था, और अभी से मैं पथरे पे थोड़ा थोड़ा पीस रही थी, क्योंकि कद्दूकस की हुई थी तो फिर इसलिए वो लंबी लंबी रहती है ना कद्दूकस की, तो मैंने कहा थोड़ा सा पथरे से सही कर देती हूँ, मतलब फिर छोटी छोटी हो जाएगी। और पहले लहसुन और हरी मिर्च पीस ली थी, उसके बाद लौकी पीस लेती हूँ मैं, और आज काफ़ी दिन बाद बना रहे हैं हम लौकी का रायता, लेकिन मम्मी को बहुत पसंद है, अगर आज अच्छा बन जाएगा तो फिर मम्मी एक दो दिन बाद फिर लौकी ले ही लिया करेगी, और आज हमने बनाया था बहुत दिन बाद, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ और आप बताना कैसे बनाते हो। तो यहाँ पे कर लेते हैं अच्छे से मैश, मतलब बिल्कुल तो मैश नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा, उबली हुई तो है ही, और मैं नीचे ही बैठ के कर रही थी पत्थरे पे, तो मैंने सारा सामान नीचे रख लिया था। यहाँ पे लौकी को मैश कर लिया था मैंने अच्छे से और दही को फेंट लिया था, अब इसमें लौकी को डाल देते हैं और फिर इसे मिक्स करेंगे, ज़्यादा कुछ तो जाता नहीं लौकी के रायते में, तो यही नहीं पता, तो पहले दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, फिर लौकी डाल दी उसमें, अब जो हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाया था मैंने वो डाल दिया है, और चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा मैंने हरी मिर्ची में डाल दिया जब पीसी थी, और अब डाल दिया है ऊपर से भुना हुआ जीरा डाल देते हैं, यहाँ पे डाल दिया मैंने भुना हुआ जीरा, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और हमारा लौकी का रायता बनके हो गया है तैयार, तो बहुत टेस्टी लगता है लौकी का रायता, हमारे संजीव नहीं खाता, हम लोग तो खा लेते हैं, संजय भी नहीं खाता, और यहाँ हो गया था फिर रात का टाइम, तो खाना वाना हो गया था हमारा शाम का, शाम को बनाया था मैंने लौकी का रायता, और फिर यहाँ मैं कर रही थी संजीव की ड्रेस प्रेस, क्योंकि सुबह उसका स्कूल है, तो मैं पहले उसे बोला था लेकिन उसने नहीं की प्रेस, कभी कभी कर लेता है हल्की हल्की सी, मैंने कहा कर ले रोज़ तो होती ही है, तो उसने नहीं की, फिर मैंने करी, और ये पिंक सूट जो पड़ा है ये मैं सुबह डाल लूँगी नहा के, तो मैंने इस पर भी हल्की हल्की प्रेस मार ली थी, और इधर मैं संजीव से बातें कर रही थी, वो बैठा हुआ था, उसे मैंने कहा कि वीडियो बना दे, तो यूँ कह रहा कि उधर शीशे में मैं दिख जाऊँगा, मैंने कहा हाँ तू बिल्कुल भी मत आना वीडियो में, कह रहा मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। यहाँ पे खा रही थी मैं जलेबी, कल मंगवाई थी रात में और ये बच गई थी, तो फिर रात में मैं खाना खा चुकी थी, लेट लेके आए थे ये, तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खा पाई, बच गई थी तो अब खा लेती हूँ, ये सारी चिपकी हुई है, और मुझे जलेबी बहुत पसंद है, किस किस को पसंद है बताना कमेंट में, और मैं खा रही हूँ अभी जलेबी, फिर उसके बाद मिलती हूँ, और अभी हो रखा है शाम का टाइम, वीडियो अभी मैं एडिट कर रही थी, ये दो दिन की मिक्स क्लिप है, बनाया ही नहीं था दो तीन दिन से वीडियो, थोड़ा थोड़ा ये बनी हुई क्लिप थी, मैंने कहा इकट्ठा कर दूँ, कल भी वीडियो नहीं गया था, मैंने कहा डाल देती हूँ छोटा सा व्लॉग,
तो अभी मैं वही एडिट कर रही थी, और इसमें जो लौकी का रायता बनाया था हमने वो बहुत टेस्टी बना था। और आज उस बात को 2 दिन हो चुके हैं जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ लौकी के रायते को, आज मम्मी ने फिर से लौकी ले ली है रायता बनाने के लिए। और आपको वीडियो कैसा लगे बताना कमेंट में ज़रूर, और जो भी चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। और छोटा सा ही वीडियो है, प्लीज़ फुल वॉच करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।